बापूश्री और उनके सत्संग में पधारे हुए सभी भक्त भाई बहनों, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। बापू की कृपा हुई, उन्होंने मेरे व्याख्यान की कुछ कैसेट सुनी और उन्होंने जब मेरे व्याख्यान की कैसेट सुनी तो उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया। बापूश्री का जो दिल्ली का आश्रम है वहाँ के साधक भाई बहनों ने मुझे फ़ोन पर संदेशा कहा कि बापू का सत्संग का कार्यक्रम है और उसमें आपको जरूर जाना है। वैसे आज मुझे जलगांव जाना था लेकिन बापूश्री के कल के आदेश पर मैंने मेरे जलगांव का कार्यक्रम रद्द किया और आपके बीच आया। मैं आपसे दो तीन बातें कहूंगा कि इस देश की इस समय की हालत क्या है। कल मैंने पहली बार पूज्य बापू के दर्शन किए, उसके पहले मैंने उनके कैसेट सुने थे, उनके बारे में सुना था, लेकिन दर्शन का लाभ कल मिला और कल लगभग 40 मिनट मैं उनके साथ रहा। तो 40 मिनट मुझे बापू का जो सानिध्य मिला उसमें उन्होंने जो कहा वैसी ही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं सारे देश में, शायद अपनी भाषा में। बापू ने मुझको कहा और कल बापू का जो कार्यक्रम था बोंटा में वहां भी उन्होंने कहा कि ये 50 साल की आजादी आई है या सारे देश की बर्बादी हुई है। तो मैं यहीं से मेरी बात शुरू कर रहा हूं जो कल बापू ने कही मुझसे कि सच में 50 साल की आजादी आई है या हमारी बर्बादी ज्यादा हुई है। पिछले 50 साल में जो आजादी हमको मिली है उस आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ तो सरकार कहती है और देश के सारे माहौल में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत की आजादी के 50 साल पूरे हो गए, और दूसरी तरफ सारा देश जिस तरह से चल रहा है, जो हालात हैं पूरे देश के, वो ये बताते हैं कि ये जो 50 साल की आजादी है ये तो भारत के पिछले 500 साल की गुलामी से भी ज्यादा बुरी है। और मैं भी यही बात कह रहा हूं जो बापू कह रहे हैं कि आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं या गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि राजीव भाई आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं और उसके पीछे कुछ ठोस सच्चाइयां हैं। ये 500 साल की गुलामी की बात क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले एक परदेशी आया था हमारे देश में, उसका नाम था वास्को डिगामा। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में आया और वास्को डिगामा जो भारत में आया वहां से भारत की गुलामी की एक नींव पड़ी। पुर्तगालियों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था और इस देश में इतिहास में जो गलत काफी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आया था। ये बात सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि वास्को डिगामा इस देश को ईसाई बनाने के लिए आया था और वास्को डिगामा को ईसाई यत का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया था।
और वो कौन सी ऐसी बात है जिससे ये पता चलता है? सन 1492 का एक दस्तावेज मेरे पास है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है सन 1492 का, और वो जो सन 1492 का दस्तावेज है वो पुर्तगाल का एक डॉक्यूमेंट है, पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। वो 1492 का जो दस्तावेज है वो कहता क्या है? 1492 के दस्तावेज में दो बातें हैं जो समझने की हैं। पहली बात यह है कि उस जमाने में जो ईसाइत का धर्मगुरु होता था, जो पोप होता था, उसने एक आदेश जारी किया सारी दुनिया में। और वो आदेश क्या जारी किया? 1492 में ईसाइत के धर्मगुरु पोप द्वारा जो आदेश जारी किया वो पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। उस आदेश में उसने ये कहा कि 1492 के बाद सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। दुनिया का एक हिस्सा होगा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा होगा पश्चिमी हिस्सा। तो दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाली लोग करेंगे और दुनिया के पश्चिमी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और लूटने का काम स्पेन के लोग करेंगे। उस जमाने में यूरोप में दो ही देशों की बड़ी शक्ति होती थी, या तो स्पेन एक शक्तिशाली देश था या फिर पुर्तगाल एक दूसरा शक्तिशाली देश था। तो पोप ने यह जो आदेश जारी किया, उस आदेश के बाद पुर्तगाली लोग दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए निकले, और उन्हीं लोगों ने वास्को डिगामा के माध्यम से हिंदुस्तान में ईसाइत का प्रचार और हिंदुस्तान को लूटने का काम शुरू किया। तो उस आदेश के बाद, पोप के आदेश के बाद, वास्को डिगामा भारत में आया हमको लूटने के लिए और ईसाई बनाने के लिए, और कोलंबस अमरीका गया अमरीका को ईसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए। अमरीका की जो मूल प्रजा थी, उस मूल प्रजा का नाम था रेड इंडियन। उस मूल प्रजा को मार पीट कर ईसाई बनाने का काम कोलंबस ने शुरू किया, और स्पेन के लोगों ने धीरे धीरे करके अमरीका के काफी रेड इंडियन को ईसाई बना दिया, और जो बच गए रेड इंडियन उनको उन्होंने गुलाम बना लिया। ऐसा ही काम वास्को डिगामा ने हमारे देश में शुरू करवाया। तो मैं जो कहता हूं वो ये कि 500 साल पहले एक गुलामी की शुरुआत इस देश में हुई, और वो गुलामी की नींव डाली वास्को डिगामा ने पूर्वी भारत में, माने पूर्वी दुनिया के हिस्से में, भारत जिसका एक अंग है, और पश्चिमी हिस्से में कोलंबस ने। और वो गुलामी चलती रही। पुर्तगालियों ने इस देश में गोवा नाम के राज्य पर करीब 450 साल तक शासन किया। गोवा जो हमारे देश का हिस्सा है, वो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, और जहां हम लोग बैठे हैं दमन और द्वीप, ये भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। 1510 से लेकर 1961 तक लगभग 451 साल ये पूरा का पूरा इलाका पुर्तगालियों का गुलाम रहा। बाकी का हिंदुस्तान 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में आजाद हो पाया पुर्तगालियों की गुलामी से। दमन और द्वीप की भी यही हालत हुई। तो हमारे ऊपर एक गुलामी लदी वास्को डिगामा के आने से, और वो गुलामी लगभग 450 साल चली, और वो जो 450 साल की गुलामी थी उसमें देश का हर तरफ से पतन हुआ। पुर्तगालियों ने हमारी आर्थिक संपत्ति को लूटा, उसके बाद इस देश में फ्रांसीसी घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा, फिर उसके बाद इस देश में डच लोग घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा, उसके बाद इस देश में अमरीकन और अमरीकनों की मदद से ब्रिटिशर्स घुसे, उन्होंने हमारे देश को लूटने की कोशिश की, और इस तरह से लगभग 1498 से लूट की एक नई शुरुआत इस देश में शुरू हो गई। 1498 के पहले भी ये देश लूटा, और मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा लूटा गया। 10वीं-11वीं शताब्दी के दौर में महमूद गजनवी जैसे लोग आए, उसके पहले मोहम्मद गौरी जैसे लोग आए, और वो लोग भी इस देश को लूटते रहे और यहां की संपत्ति ले जाते रहे। तो लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी से इस देश की लूट के इतिहास का एक सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ लूट है और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के विनाश की बात है। तो ये जो पिछले 1000 साल से लूट चल रही है, वो 1492 के पहले एक तरह के लोगों द्वारा चलाई गई, और 1492 के बाद यूरोप के लोगों द्वारा चलाई गई।
1492 के पहले जो नॉन क्रिश्चियन जनता थी, जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया, और 1492 के बाद ये क्रिश्चियन लोग घुस गए, उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया। सबसे ज्यादा बर्बादी हिंदुस्तान में आई पुर्तगालियों के कारण और अंग्रेजों के कारण। और अंग्रेजों ने जो इस देश को लूटने की एक व्यवस्था शुरू की, दुर्भाग्य से वो व्यवस्था आजादी के 50 साल के बाद भी चल रही है। और मैं जब ये कहता हूं कि आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल, तो उसमें वही मुख्य बात है। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के पहले फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों के पहले डच ने, और डच लोगों के पहले पुर्तगालियों ने भारत में लूट की जो व्यवस्था कायम की थी, वही लूट की व्यवस्था आज भी चल रही है। और उसके मैं आपको कुछ ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए क्या किया, उसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं मेरी बात कहूं। सन 1813 का एक दस्तावेज मेरे पास है, लंदन की पार्लियामेंट का। लंदन में उस जमाने में हाउस ऑफ कॉमन्स चलता था, उस जमाने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं होता था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन में, एक बहस शुरू हुई। क्या बहस शुरू हुई? बहस का टाइटल यह था, हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। लंदन में अंग्रेज लोग अपने पार्लियामेंट में बैठकर, वहां के बड़े बड़े नेता इस बात पर बहस कर रहे थे 1813 के सन में, कि हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए। और इस बहस को जो चलाने वाला सबसे बड़ा अंग्रेजों का नेता माना जाता था, उसका नाम था विलियम विल्वरफोर्स। तो विलियम विल्वरफोर्स भाषण दे रहा था सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, और कह रहा था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना हमारा सबसे पहला काम है। तो ईसाई बनाने का तरीका क्या होगा? तो उन लोगों ने जो पार्लियामेंट में बहस चलाई, उस बहस में से उन्होंने तीन बातें तय की और एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या पारित किया? प्रस्ताव यह पारित किया कि हिंदुस्तान को ईसाई बना देना है, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना देना है। और जब हिंदुस्तान क्रिश्चियन होगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तान क्रिश्चियन बनेगा कैसे, इस पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हुई, और उनके नेताओं ने आपस में जो बहस की, उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल, उस पुस्तक में वो सारे दस्तावेज मैं छापने जा रहा हूं, प्रकाशित करने जा रहा हूं। तो वो दस्तावेज में क्या उन्होंने तय किया है? उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान को अगर ईसाई बनाना है तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में यह जो संपत्ति है, यह जो धन है, इसको लूटना पड़ेगा और हिंदुस्तान को गरीब बनाना पड़ेगा। तो जब हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा और जब हिंदुस्तान में भुखमरी आ जाएगी, तो यहां के लोग बहुत आसानी के साथ थोड़े थोड़े पैसे के लिए धर्म परिवर्तन शुरू कर देंगे। तो वो तय कर रहे हैं अंग्रेजों के बड़े बड़े नेता कि पहले हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करना है, और जब ये देश आर्थिक रीति से खलास हो जाएगा, उसके बाद इस देश को राजनीतिक रीति से खलास करना, और फिर राजनीतिक रीति से जब ये देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को सांस्कृतिक रीति से खलास करना, और सांस्कृतिक रीति से जब ये देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को बहुत आसानी से ईसाई बनाया जाएगा। तो हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अपनी तमाम कंपनियां हमारे देश में भेजी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों की सैकड़ों कंपनियां आई, और उन कंपनियों ने क्या किया, हमारे देश में अपना धंधा शुरू किया। तो क्या होता था कि अंग्रेजों की कंपनियों का माल बिकता था, और हिंदुस्तान के गांव गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा। और जब हिंदुस्तान के गांव गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा, तो हमारे देश के लोग अंग्रेजों का माल खरीदने लगे, और अंग्रेजों का माल खरीद कर हमारे देश का पैसा लंदन जाने लगा। और जब अंग्रेजों का माल इस देश में बिकना शुरू हो गया, तो उसका एक दूसरा नतीजा और निकला कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे कारखाने बंद होते चले गए। एक तरफ तो अंग्रेजों की सरकार ने नियम ऐसे बनाए, कानून ऐसे बनाए कि भारतीय व्यापारी व्यापार ना कर सके, और भारतीय उद्योगपति कुछ भी सामान बाजार में बेच ना सके। दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों की कंपनियों को हिंदुस्तान की लूट के लिए खुला छोड़ दिया।
तो धीरे धीरे हिंदुस्तानी बाजार में अंग्रेजों का माल बिकना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने यहां से संपत्ति बटोरना शुरू किया, यहां से धन लेना शुरू किया। अंग्रेजों के कुछ आंकड़े बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में हमारे देश में जब धंधा करती थी उसका कुछ माल बिकता था तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से करीब 70 करोड़ पाउंड के बराबर की संपत्ति ले जाती थी। ये 70 करोड़ पाउंड की जो संपत्ति जाती थी उस जमाने में आज से लगभग 200 साल पहले, ये कितनी होती होगी अगर आज के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो 70 करोड़ में 56 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एक पाउंड में इस समय लगभग 56 रुपया बैठता, तो करोड़ों रुपए की लूट हमारी होती थी। अंग्रेजों ने एक दूसरा काम और किया कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा दिए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार ने टैक्स लगाया, जो सबसे पहला वो था एक्साइज का टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई उन्होंने? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो माल बनाते हैं उस माल के उत्पादन पे कर लगाओ। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला किया कि हिंदुस्तानी व्यापारी जो माल पैदा करते हैं उस पे कर देंगे और फिर उस माल की जब बिक्री होगी बाजार में तो उस पर भी कर लगा दो। तो उन्होंने माल की बिक्री पे सेल्स टैक्स लगा दिया। और उसके बाद एक तीसरा कर लगा दिया अंग्रेजों की सरकार ने कि जो माल बाजार में बिकेगा और उससे जो मुनाफा कमाएंगे हिंदुस्तानी व्यापारी उस पर इनकम टैक्स लगा दो। तो पहले एक्साइज टैक्स लगाया, फिर सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर इनकम टैक्स लगा दिया, फिर अंग्रेजों की सरकार ने दो टैक्स और लगाए। एक टैक्स उन्होंने लगाया टोल टैक्स। हिंदुस्तान के व्यापारी अपने माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं तो जगह जगह जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ। और टोल टैक्स के बाद उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया, ऑक्ट्रॉय का टैक्स। ये 5-5 टैक्स उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगा दिए। क्यों लगाए अंग्रेजों की सरकार ने? अंग्रेजों की सरकार ने ये टैक्स इसलिए लगाए कि हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अगर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो अंग्रेजों का माल गांव-गांव में बिकना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगा के उनका माल महंगा बना दिया और अंग्रेजों के माल को टैक्स फ्री करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे ये हिंदुस्तान जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश था, 1835-1840 तक हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। अंग्रेजों की ही सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1835 और 1840 में दुनिया का जो कुल व्यापार चलता था उस व्यापार में 33% हिस्सा हिंदुस्तानियों का होता था। तो एक जमाने में यह सारा देश दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 व्यापार करता था। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स के कानून लगाए उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया। दुर्भाग्य हमारा क्या है? अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स लगाए 5-5, ये टैक्स आज आजादी के 50 साल के बाद भी लगे हुए हैं। और मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इनकम टैक्स लगाया, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय लगाया, तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के। लेकिन दुर्भाग्य से वो टैक्स के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था वैसे ही आजादी के 50 साल के बाद भी यह काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी शायद आजादी आना बाकी है और उन टैक्स के कानूनों के कारण जिस तरह हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए थे वैसे ही आज हो रहे हैं। आज भी क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर विदेशियों को, विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल रही है और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स बढ़ा बढ़ा के उनको मारने का काम चल रहा है। अंग्रेजों के जमाने में यह धंधा चलता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट मिलती थी और हिंदुस्तानी व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए जाते थे। वही काम आज चल रहा है कि इस देश में विदेशी कंपनियों को तो खुली छूट है, वो चाहें तो 10 साल तक टैक्स भी ना दें
और हिंदुस्तान सरकार उनको टैक्स फ्री टैक्स एग्जेम्पशन करती है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स लगा लगा के उन कंपनियों का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकवा रही है। और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं? जैसे अंग्रेजों के जमाने में नतीजे निकले थे कि हिंदुस्तानी व्यापार धंधा धीरे धीरे मंदी में फंसा और उसके बाद खलास हो गया, वैसे ही आज हिंदुस्तानी व्यापारियों की हालत ऐसी हो गई है। यहां अगर कुछ व्यापारी भाई बैठे हों तो वो ये बात जानते हैं कि पिछले 40 साल में जितनी भयंकर मंदी इस साल आई है व्यापार में, उद्योग में, उतनी भयंकर मंदी कभी नहीं आई इस देश में। यह जो भयंकर मंदी चल रही है इस देश में आजकल, वो भयंकर मंदी उन नीतियों का परिणाम है जो अंग्रेजों के जमाने में लागू की गई थी और आज भी चल रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम अभी भी शायद पूरी तरह से आजाद नहीं है। मेरे मन में दुख इस बात का है कि जो कानून अंग्रेजों के जमाने में चलते थे, जिस तरह से चलते थे, वही कानून आजादी के 50 साल के बाद भी चल रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया था, उसी तरह से आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम चल रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक दो कुछ और उदाहरण दूं कि अंग्रेजों की सरकार ने एक तरफ आर्थिक व्यवस्था बर्बाद की इस देश की और दूसरी तरफ इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए। अंग्रेजों का यह मानना था, एक अंग्रेज ऑफिसर इस देश में आया था, उसका नाम था डलहौजी, और डलहौजी अक्सर यह कहा करता था कि हिंदुस्तान के गांव की व्यवस्था को अगर बर्बाद करना है तो हिंदुस्तान के किसानों से जमीन छीनना शुरू करो। और हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीन छीन कर अंग्रेजों की सरकार उसको अपनी संपत्ति घोषित करती थी। यह किस आधार पर होता था? अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था 1894 में, उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। वो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, वो अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था हिंदुस्तान के गांव के किसानों की जमीनें छीनने के लिए और वो जमीनें अंग्रेजों की सरकार की संपत्ति घोषित करने के लिए। दुर्भाग्य से 1894 में जो कानून इस देश में बनाया गया, वो आजादी के 50 साल में भी चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकारें हमारे देश के गांव के किसानों की जमीनें छीनती थी और गांव वालों को मारकर पीटकर जबरदस्ती उनसे जमीन के हस्ताक्षर कागजों पर करवा लिए जाते थे, ठीक वैसा ही धंधा आज भी इस देश में चल रहा है। आज क्या चल रहा है? पहले हमारी जमीनें अंग्रेजों की सरकार छीनती थी, अब हमारी जमीनें हमारी सरकारें छीन रही। कानून कौन सा है? 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस जमाने में क्या होता था? अंग्रेजों की सरकारें हमारी जमीन छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचती थी और अंग्रेजों की कंपनियों को दे देती थी। आज भी हमारे देश के गांव गांव की जमीनें छीनकर विदेशी कंपनियों को बेची जा रही। सन 1991 से लेकर सर 1997 के जून के महीने तक हिंदुस्तान में 70,000 हेक्टेयर जमीन गांव के किसानों से छीन कर परदेशी कंपनियों को बेच दी गई है। और वो गांव वाले मारे मारे सारे देश में घूम रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं राजीव भाई कुछ करिए, तो मैं पूछता हूं क्या हो गया, तो कहते हैं हमारी जमीन छीन ली सरकार ने, क्या किया उस जमीन का, परदेशी कंपनी को बेच दिया। तो मुझे इतना दुख होता है इस बात पर कि जो काम अंग्रेजों की सरकार करती थी, वही काम अब हमारी सरकार कर रही है। जो कानून अंग्रेजों की सरकार चलाती थी लैंड एक्विजिशन का, वही कानून इस देश में आज भी चल रहा। और हम कैसे माने कि यह देश में आजादी आई है और आजादी के 50 साल पूरे हुए। ऐसे ही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जंगलों को बर्बाद करने के लिए एक कानून बनाया था सन 1865 में। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगलों पर कब्जा करना था और हिंदुस्तान के जंगलों में जो संपत्ति छुपी हुई थी, उस संपत्ति की लूट करनी थी। हमारे देश के जो जंगल हैं, उन जंगलों में सोने की खदानें हैं, चांदी की खदानें हैं, कोलसा की खदानें हैं, तमाम तरह की बेशकीमती धातुएं वहां मिलती हैं। तो हमारे देश के जंगल तो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि उन जंगलों को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों से छीनकर जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। 1865 के पहले क्या होता था?
1865 के पहले जो जंगल होते थे वो भारतीय समाज में गांव जो होता था, गांव पंचायत जो होती थी उसकी संपत्ति माने जाते थे, लेकिन 1865 के उस कानून के बाद वो जंगल अंग्रेजों की सरकार की संपत्ति बन गए। और उसमें अंग्रेजों ने नियम कैसे बनाए, उसमें अंग्रेजों ने नियम ऐसे बनाए कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज व्यापारी जंगल काटें तो उनको लाइसेंस मिलता था, और कोई हिंदुस्तानी एक व्यक्ति पेड़ काटे तो अंग्रेजों की सरकार उसको सजा देती थी। और यह काला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था सन 1865 में, यह कानून दुर्भाग्य से आज भी चल रहा है। आज क्या हो रहा है इस देश में, आप चाहें तो जंगल से एक भी पेड़ काट नहीं सकते, और अगर आपने पेड़ काट लिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से तो आपके ऊपर केस चलेगा, मुकदमा हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति होती है। मेरा एक दोस्त है, बंबई में मुलुंड में रहता, उसकी एक सोसाइटी है जहां पे वो रहता। उस सोसाइटी में क्या हुआ कि दीवार के बीच में से एक पेड़ पैदा हुआ और उस पेड़ ने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उस मुलुंड के भाई ने वो पेड़ काट दिया, उसकी शिकायत हो गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से तो उसको जेल हो गई। और एक दिन वो मेरे पास आया कि राजीव भाई, मैंने मेरे घर में लगाया हुआ पेड़ जो मुझे परेशानी कर रहा था वो काटा तो मुझ पर शिकायत हुई और मुझे जेल हो गई। तो मैंने कहा, दुर्भाग्य तुम्हारा ये है कि ये जो कानून है जिसके आधार पर तुमको जेल हुई, ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। और दूसरे बाजू में हमारे देश में क्या होता है, तमाम परदेशी कंपनियां हैं हमारे देश में जो सिगरेट बनाती हैं, और इस देश में सिगरेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ पेड़ काटती हैं, क्योंकि सिगरेट बनाने के लिए जो कागज चाहिए वो पेड़ काटने से ही बनता है। तो सिगरेट बनाने के लिए परदेशी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ पेड़ काटती हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी भाई अगर एक पेड़ काटे तो उसको जेल हो जाती है। कानून कौन सा है, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ। शोषण क्या चल रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने में शोषण चलता था वैसे ही शोषण आज चल रहा। जो जंगल पहले गांव समाज की संपत्ति होते थे, गांव की संपत्ति होते थे, उनको अंग्रेजों की सरकार ने अपनी संपत्ति बना लिया, और वही आज भी चल रहा है इस देश में। तो मुझे लगता था कि 1865 का वो कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश में वो 1947 में खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन वही आज भी चल रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अंग्रेजों के जमाने की गुलामी थी वही गुलामी आज भी चल रही है। कभी कभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मजाक में एक बात कहते हैं कि राजीव, तुम इतनी अंग्रेजों की बुराई करते हो, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धति नहीं आई होती। तो न्याय की पद्धति माने हमारे देश में जो कोर्ट चलते हैं, लोअर कोर्ट चलता है, हाई कोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है, तो जितने न्यायालय चलते हैं हमारे देश में, ये सब जिस न्याय पद्धति पर चलते हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, और उसका एक कानून है। उस कानून का नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये आईपीसी का कानून हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चालू किया था सन 1860 में। और ये जो आईपीसी का कानून बनाया था इस देश में, वो अंग्रेजों ने क्यों बनाया था, अंग्रेजों के उस जमाने की जो पार्लियामेंट है उसमें जब बहस चल रही थी तो बहस ये चल रही थी कि हिंदुस्तान की समाज की व्यवस्था को अगर खलास करना है तो हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को तोड़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को तोड़ना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी न्याय पद्धति इस देश में लागू की, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी वाली। और हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति और हिंदुस्तान के गुरुकुलों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने इस देश में अंग्रेजियत के स्कूल चलाए, कॉन्वेंट स्कूल चलाए। एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले इन दोनों काम के लिए जिम्मेदार था। मैकॉले अक्सर यह कहा करता था कि जिस समाज से न्याय खत्म हो जाता है वो समाज बर्बाद हो जाता है, और जिस समाज से शिक्षण खत्म हो जाता है वो समाज भी बर्बाद हो जाता है। तो मैकॉले ने दोनों ही काम किए। भारतीय समाज से न्याय व्यवस्था खत्म करने के लिए उसने अंग्रेजों की न्याय पद्धति चालू की। वही न्याय पद्धति आज भी चल रही है इस देश में। 1860 में आईपीसी कानून बना था, पता नहीं 1860 में हमारे देश की क्या हालत थी। वो 1860 का कानून
आज से लगभग 140 साल पुराना कानून आज भी चल रहा है इस देश में। और उसमें व्यवस्था क्या है, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझको ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो ये तुम्हारे देश में जो न्याय पद्धति आई है ये नहीं आई होती। तो मैं अक्सर लोगों से एक कहानी कहता हूं कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कैसी न्याय पद्धति चलती थी, और जब अंग्रेज आ गए तो कौन सी न्याय पद्धति चलती। आपने शायद सुना होगा, एक कहानी है राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। हमारे देश के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल जो है स्वर्ण काल माना जाता, सुवर्ण युग माना जाता, सबसे अच्छा समय माना जाता। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे इतिहास में हमने ये पढ़ा कि राजा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था वो बहुत न्यायप्रिय राजा था, उसके राज में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। तो वो जो न्यायप्रिय राजा था वो न्याय कैसे करता था और आज न्याय कैसे होता है अंग्रेजों की पद्धति से, ये दोनों बात मैं तुलना के रूप में आपसे कहना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज में दो बहनों में झगड़ा हो गया। एक बहन कहती थी, एक बच्चा था, और दो बहन कहती थी कि ये मेरा है। एक बहन कहती थी मेरा है, दूसरी बहन कहती थी मेरा। अब ये जब झगड़ा हुआ तो ये मुकदमा राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में जब ये मुकदमा पहुंचा तो राजा ने कहा एक बहन से कि सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा है। तो एक बहन खड़ी हो गई और उसने सिद्ध कर दिया कि बच्चा उसका है। राजा ने दूसरी बहन को कहा कि अब तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा है। दूसरी बहन भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि वो बच्चा उसका है। राजा धर्म संकट में पड़ गया। धर्म संकट किस बात का, कि असली मां कौन है और नकली मां कौन है ये पता कैसे लगाया जाए। थोड़ी देर के बाद राजा के मन में एक विचार आया, उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काटो, आधा एक मां को दे दो आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आया और बच्चे को काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और असली मां ने कहा कि नहीं बच्चे को काटो मत, चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी बहन को दे दो। राजा समझ गया कि जो असली मां है वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती, भले ही वो दूसरे के पास चला जाए कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा को जब ये पता चला कि असली मां वही है जिसने ये कहा कि बच्चे को काटो मत, तो उसने क्या किया कि नकली मां से बच्चा लेकर असली मां को दे दिया। ये न्याय राजा के दरबार में 3 मिनट के अंदर हो गया, माने ये केस गया राजा के दरबार में, दो महिलाओं का मुकदमा था, 3 मिनट के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने न्याय कर दिया और बच्चा किसका है ये फैसला हो गया। अंग्रेजों की न्याय पद्धति जो चलती है उस न्याय पद्धति में अगर आप इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए या किसी लोअर कोर्ट में चले जाइए, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम आपको 20 साल लग जाएगा यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज चलता था तो किसी भी मुकदमे का फैसला 3 मिनट में होता था और न्याय मिलता था। आज अंग्रेजों की न्याय पद्धति चलती है, आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी की, तो 20-20 साल लग जाते हैं और फैसला नहीं हो पाता कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। तो जब अंग्रेज नहीं आए थे तो ऐसी न्याय पद्धति हमारे देश में चलती थी, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीय न्याय पद्धति का सत्यानाश कर दिया, और दुर्भाग्य से वही न्याय पद्धति ये चल रही है इस देश में। ये न्याय पद्धति क्या है, इसमें किसी को न्याय नहीं मिलता, मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर। अगर वो कानून गलत है तो गलत फैसला होगा। कानून बनाता कौन है, कानून बनाते हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े चोर और बदमाश। होता है किसी भी कोर्ट में आप जाइए, क्योंकि मैं तो अक्सर कोर्ट में जाता रहता हूं, सरकार के खिलाफ केस करता रहता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मैं केस करता हूं, हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है न्यायालय में कि हम लोग फैसला करते हैं कानून के आधार पर। तो हमारे न्यायालय में क्या होता है, कानून के आधार पर फैसला होता है, ना कि न्याय मिलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं,
हमारे देश में एक कानून है, क्या कानून है, 16 साल से ऊपर की अगर गाय है या बैल है तो उसको काट देना चाहिए, यह कानून है। अब आप मुझे यह बताइए कि 16 साल से ऊपर की गाय और बैल को काट देना चाहिए, कानून यह कहता है, क्यों कहता है? तो वो कहते हैं कि वो बूढ़ी हो गई है, तो इसके हिसाब से तो बूढ़े मां बाप हैं उनको भी काट देना चाहिए क्योंकि वो भी बूढ़े हो गए। तो कानून तो यह है कि 16 साल से ऊपर के गाय और बैल कट सकते हैं, लेकिन यह गाय और बैल अगर कटते हैं तो न्याय कहां होता है? कानून का पालन तो होता है लेकिन न्याय कहां है इसमें? क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव अगर बना है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी जीव की हिंसा करने का अधिकार हमको नहीं है। चींटी को भी मेरी मां आटा डालती है। एक दिन मैंने मेरी मां से पूछा कि तुम चींटी को आटा क्यों डालती हो, कीड़ी को आटा क्यों डालती हो, तो उसने कहा कि मैं मेरे धर्म का पालन करती हूं। तो जिस देश में कीड़ी को आटा डालने से धर्म का पालन होता हो उस देश में गाय बैल काटे जाते हैं कानून के आधार पर, यह न्याय कहां है? यह तो सरासर अन्याय है। और गाय बैल काटने के लिए कानून किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया। 1850 के आसपास से अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में गाय काटने के लिए कत्ल कारखाने खोले। क्यों खोले? अंग्रेजों का यह मानना था कि जो गाय है वो हिंदुस्तान के समाज का केंद्र बिंदु है। क्यों? क्योंकि मेरे हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और गाय का दान इस देश में सबसे बड़ा दान है। मरते समय आदमी को कहा जाता है कि गाय का दान करके जाओ, तो वो जो गाय का दान कर रहा है माने 33 करोड़ देवी देवताओं का वंदन कर रहा है। तो जिस देश की परंपराओं में गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास रहता हो, गाय को जिस देश में मां कहा जाता हो, गाय से हम सबकी पूरी की पूरी संस्कृति चलती हो, उसके गोबर से खाद मिलता हो, उसके मूत्र से दवाएं मिलती हो, उस देश में अंग्रेजों की सरकार ने गाय को काटने का कानून बनाया और उस कानून के लिए कत्ल कारखाने खोल दिए और उस दिन से हिंदुस्तान में गाय कटना चालू हो गया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय काटना क्यों शुरू किया? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय काटना इसलिए शुरू किया कि जैसे जैसे गाय कटेगी वैसे वैसे हिंदू धर्म का नाश होता चला जाएगा। और हिंदू धर्म का नाश ही नहीं होगा बल्कि भारत की जो कृषि की पद्धति है, यहां के किसानों को जो खाद मिलता है, उसके मूत्र से जो फर्टिलाइजर बनता है वो भी नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तानी खेती बर्बाद होती चली जाएगी, गाय भी बर्बाद होती चली जाएगी। उसके कुछ साल के बाद अंग्रेजों की सरकार ने एक दूसरा कानून बना दिया कि गाय से ज्यादा नंदी को काटो, बुल को काटो। नंदी जो भगवान शंकर का इस देश की मान्यताओं के अनुसार वाहन है, जो हर शंकर के मंदिर के बाहर आपको मिलेगा, उस नंदी को काटने का कानून अंग्रेजों की सरकार ने चलाया। और अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी कि अगर नंदी खत्म हो जाएगा तो गाय नहीं रहेगी, और अगर नंदी खत्म हो जाएगा गाय नहीं रहेगी, बची हुई गाय को हम काट देंगे तो हिंदुस्तानी लोग वैसे ही सांस्कृतिक रूप से गुलाम होते चले जाएंगे और हिंदुस्तानी व्यवस्था से अंग्रेजियत की व्यवस्था में आते चले जाएंगे। दुर्भाग्य से वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने चलाए थे और उस जमाने में अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल कारखाने खोले थे उस कानून के आधार पर। आज क्या हालत है आपको मालूम है? 1947 में हम आजाद हो गए और 1947 में जब हम आजाद हुए तो मुझको लगता था कि अंग्रेजों के जमाने का ये जो गाय को काटने का कानून है, नंदी को काटने का कानून है और वो जो 350 कत्ल कारखाने हैं वो सब बंद हो गए होंगे, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार तो अत्याचारी सरकार थी, वो सरकार तो इस देश को बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी, तो इसलिए वो कानून तो खत्म हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको आज बहुत ही दुख और दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने में तो 350 कत्ल कारखाने थे, आज आजादी के 50 साल में 1997 में इस देश में 36,000 कत्ल कारखाने हैं। माने उस जमाने में गाय कम कटती थी, 350 कत्ल कारखाने थे, अब आजादी के 50 साल में उससे ज्यादा कटती है और 36,000 कत्ल कारखाने। कानून कौन सा है? अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ गाय के कत्ल का कानून। अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी
कि कुछ लोगों को गाय का कत्ल करके मांस बेचना है और उनको अपनी जीविका चलानी है, तो वो कहते थे कि हर व्यक्ति को जीविका चलाने का फंडामेंटल राइट है, तो जो लोग गाय का मांस बेचकर जीविका चलाते हैं उनको भी जीविका चलाने का अधिकार है। यही बात हिंदुस्तान की सरकार आज कहती है कि जो कत्ल कारखाने चल रहे हैं उनके आधार पर जिन लोगों की जीविका चल रही है उनको जीविका चलाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है। कहां से मिल गया है ये फंडामेंटल राइट? अच्छा, तो ताजमहल को धुआं ना लग जाए इसलिए 4 लाख आदमी को बेरोजगार कर, ये सवाल आता है। जीविका चलाने का सबको अधिकार है, तो ताजमहल को फैक्ट्रियों का धुआं खराब ना कर दे, ताजमहल अच्छा रखने के लिए कहां आदेश हो। और इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात कि जब मैकॉले कहा करता था ये बात कि भारत की न्याय पद्धति का नाश हो जाएगा तो भारतीय समाज टूट जाएगा, ऐसे ही मैकॉले एक बात और कहता था। मैकॉले की लिखी हुई एक चिट्ठी है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी। लंदन में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, वहां से मैंने निकलवाई है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से ऐसे कुछ 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के लाया और वहां के कई लोगों की मदद से हमने वो निकलवाए हैं। तो उनमें एक चिट्ठी है मैकॉले की, वो उसके अपने पिताजी को उसने लिखी है। जब वो यहां ऑफिसर बन के आया है तो मैकॉले क्या लिख रहा है कि भारतीय समाज को अगर बर्बाद करना है तो भारतीय न्याय पद्धति बर्बाद करो। तो वो करने के लिए उसने आईपीसी बना दिया, सीआरपीसी बना दिया, सीपीसी बना दिया और बर्बाद हुई। दूसरी बात वो कहता था कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है तो भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करो। तो मैकॉले कहा करता था कि जो भारतीय शिक्षण पद्धति है, वो खुद मानता था इस बात को, यह दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और सबसे अच्छी पद्धति। क्या होता था, यहां गुरुकुल चलते थे, गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे और विद्यार्थी 20 साल तक 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार मिलते थे और वो संस्कार लेकर समाज में जाते थे, उन्हीं संस्कारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती थी। ऋषि थे, मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे, वो गुरुकुलों को चलाया करते थे और सारे के सारे गुरुकुल जो चला करते थे उनमें वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय मनीषा है, उन्हीं सब का अध्ययन संस्कृत के माध्यम से कराया जाता था। मैकॉले ने क्या किया कि गुरुकुलों का नाश अगर करना है तो उसने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? संस्कृत में जितने विद्यालय इस देश में चलते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में, उन सबको उसने इल्लीगल घोषित किया, गैर कानूनी, और उसने प्रतिबंध लगा दिया कि संस्कृत भाषा के माध्यम से कोई भी गुरुकुल चलेगा उसको अंग्रेजी सरकार मान्यता नहीं देगी। तो मान्यता किसको देगी? अंग्रेजी के माध्यम से जो कॉन्वेंट स्कूल चलेंगे उनको अंग्रेजी सरकार मान्यता देगी। और उसके लिए बाकायदा उसने कानून बनाया, उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। और यह इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ 1858 में, आज से लगभग 140 साल पहले। तो 140 साल पहले जो कानून लागू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, वही कानून आज भी चल रहा है। उस कानून के आधार पर मैकॉले ने क्या किया, संस्कृत के माध्यम से चलने वाले गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया, कानून बना के उनको बंद करा दिया। जो उनमें अध्यापक होते थे, गुरु होते थे, उनको मार पीट कर अंग्रेजी सरकार जेल में बंद करती थी। जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाते थे उनको रोक दिया जाता था, उनका अध्ययन ना होने पाए उसके लिए समस्याएं खड़ी की जाती थी। और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल चालू कर दिए और उसमें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षण देना शुरू किया। एक दिन उसने अपने बाप को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने ये लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षण पद्धति पैदा कर दी है जिसमें अगर हिंदुस्तानी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पढ़कर निकलने के बाद वो शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से सब अंग्रेज हो जाएंगे। वो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। तो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज। तो मैकॉले दूसरी बात लिख रहा है उस चिट्ठी में कि जब वो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे तो अंग्रेजों के हिसाब से सारे काम करेंगे। और वो विद्यार्थी जब कॉन्वेंट स्कूल में से निकलेंगे तो सबसे ज्यादा गालियां भारतीय संस्कृति को देंगे, सबसे ज्यादा गालियां अपने मां बाप को देंगे। कैसे? मॉम और डैड कहके। डैड माने होता है मरा हुआ, और मम्मी माने होता है शव।
इजिप्ट में आप जाइए, मिश्र एक देश है, वहां पे ममीज कहा जाता है किसको, मरे हुए आदमी के शव को। तो हमारी मां हो गई मम्मी, मम्मी और पिताजी हो गए डैड। आया कहां से ये मैकॉले ने डाल दिया हमारे दिमाग में। और मैं ये कहता हूं कि मैकॉले तो मर गया, उसका बाप भी मर गया, सब मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हम सब में प्रवेश कर गई है। और कैसे प्रवेश कर गई है, मैं आपको ये इतिहास की सच्चाई बता रहा हूं कि जिस जमाने में मैकॉले ने इस देश में सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में, वो कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि कोई भी भारतीय मां बाप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने को नहीं भेजता था। अंग्रेजों के जमाने की बात बता रहा हूं, अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस देश में कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं पाए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद गांव गांव में, गली गली में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। और ऐसे मम्मी डैडी पैदा हुए हैं इस देश में जो बच्चे का जन्म लेने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाए आते हैं कॉन्वेंट स्कूलों। कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चे को। और मैं अक्सर पूछता हूं कि काहे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, तो कहते हैं राजीव भाई जब हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बहुत स्मार्ट बन जाएगा। तो मैं पलट के पूछता हूं कि जरा बताइए स्मार्टनेस क्या होती है, तो अक्सर मां बाप मुझे जवाब देते हैं जो दिल्ली बंबई में रहते हैं कि हम बच्चे को कॉन्वेंट में इसलिए पढ़ने को भेजते हैं कि जब वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो टाई लगाएगा, मोजे जूते पहनेगा, बढ़िया सूट है। तो अंग्रेजों के देश में टाई इसलिए लगाई जाती है कि वहां ठंडी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है, और एक साल में 6 महीने भयंकर बर्फ पड़ती है। कभी कभी तो यह हालत होती है कि 6-7 महीने सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, और वहां की जलवायु ऐसी है कि आज अगर सूर्य निकला तो जरूरी नहीं है कि कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, नरसों भी निकलेगा। भारत में ऐसा नहीं है, आज अगर निकला है तो कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, 3 महीने बाद भी निकलेगा, 1 साल बाद भी निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। इंग्लैंड के लोग ये गारंटी से नहीं कह सकते। तो वहां ठंडी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है, और जिन देशों में सर्दी बहुत पड़ती है, ठंडी बहुत पड़ती है, वहां के लोगों को अक्सर जुकाम बहुत होता, नाक चलती है। तो जब नाक चलती है तो उस नाक को पोंछने के लिए बार बार जेब से रूमाल निकालना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया कि एक रूमाल गले में लटका लो जो नाक पोंछने के काम आएगा। और टाई का माने क्या होता है, अंग्रेजी का शब्द है TIE, टाई का माने होता है गले के चारों तरफ लटकाया गया कोई कपड़ा। किस काम आता है वहां पर नाक पोंछने के, क्यों करते हैं? क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है। हमारे देश में तो 1 साल में 9 महीने गर्मी पड़ती है, और यहां गुजरात में तो 12 महीने गर्मी पड़ती है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, वहां थोड़ी बहुत ठंडी जरूर पड़ती है, यहां तो बिल्कुल नहीं पड़ती। तो वहां तो इसलिए टाई लगाते हैं कि उनको जरूरत है उसकी, हम हमारे बच्चों को क्यों लटका रहे हैं अपने गले में टाई। मर गए अंग्रेज और चला गया मैकॉले, लेकिन उसकी आत्मा का वास हम सब में हो गया। जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल में घुसा रहा है अपने बच्चों को, जिसको देखो वो अंग्रेजियत की तरफ ले जा रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है, सावधान होना चाहिए। एक बार बंबई में मैंने एक जगह व्याख्यान में पूछा, पढ़े लिखे कुछ लोग बैठे थे, कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों भेजते हैं, आपको मालूम है कॉन्वेंट का मतलब क्या होता? यूरोप के देशों में कॉन्वेंट का मतलब क्या होता? यूरोप में हजारों साल एक परंपरा रही है जो हमारे यहां कोई सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। यूरोप की परंपरा क्या रही है हजारों साल, वहां बच्चे लावारिस छोड़े जाते हैं। आज भी यूरोप के देशों में, अमरीका में, आधे से ज्यादा बच्चे लावारिस तरीके से बड़े होते हैं, और यह परंपरा आज से 100-150 साल पहले तो बड़ी भयंकर थी। तो यूरोप में क्या होता था कि बच्चा पैदा हुआ, छोड़ दिया चर्च के सामने, छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, छोड़ दिया किसी और संस्था में, वहां बड़ा होगा। तो जो लावारिस बच्चे वहां पैदा होते हैं, उन लावारिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी व्यवस्था करने का काम जिस जगह पर किया जाता है उसको कहते हैं कॉन्वेंट। हाँ बड़ो।
तुम्हारे चोपड़े कौन बनने जा रहे हैं। कॉन्वेंट का माने होता है लावारिस बच्चों के पढ़ने लिखने का स्थान, माने जिन बच्चों के माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, जिनके दादा दादी नहीं है, जिनका कोई कुटुंबी जन नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल चलाए गए यूरोप में, उनको कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं। तो हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों भेज रहे हैं? हाय राम, तौबा तौबा। यहां तो माँ भी है और बाप भी है, लेकिन हम इतने बेवकूफ हो गए हैं कि माँ बाप के रहते हुए बच्चे को लावारिस बनाने के लिए कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। और वहां जाके बच्चे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? कल जो बापू कह रहे थे किस्से में, वही बंबई में एक दंपत्ति ने मुझे कहा, पति पत्नी थे, कहने लगे राजीव भाई अगर बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो पीछे रह जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है दुनिया में कितने देशों में अंग्रेजी चलती है? तो कहने लगे अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैंने कहा आपको तब जानकारी नहीं है, दुनिया में इस समय 200 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शे पर हैं, और उन 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी 188 देशों में उन देशों की अपनी भाषाएं चलती हैं। तो 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गई? अगर 200 में से 150 देशों में अंग्रेजी चलती तो मैं मान लेता कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लेकिन मुश्किल से 12 देशों में जो भाषा चलती है उसको हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और दूसरी बात, उसी दंपत्ति ने कहा कि राजीव भाई अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत रिच लैंग्वेज है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, रिच लैंग्वेज माने समृद्ध भाषा। तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया में अंग्रेजी से ज्यादा रद्दी दूसरी कोई भाषा नहीं है। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण है, जानते हैं क्या है? अंग्रेजी में चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा सब अंकल, और काकी, ताई, मौसी और सब आंटी। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या आप फूफा को मामा बना सकते हैं? या ये बताइए कि मौसी में और काकी में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या मौसी काकी हो सकती है? दुनिया की जिस भाषा में रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो सबसे रद्दी भाषा है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहां हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं चलती हैं, हर भाषा में परिवार के रिश्तों को कहने के लिए विशेष शब्द हैं, वहां नहीं है। वहां क्या है? सब इन-लॉज हैं, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, पता ही नहीं चलता कि ये लड़के वाले इन-लॉज हैं कि लड़की वाले इन-लॉज हैं। या तो सब अंकल हैं या तो सब आंटी हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है। कारण क्या है? अंग्रेजी भाषा में शब्दों की बहुत कमी है। और अंग्रेजी भाषा में शब्दों की कितनी कमी है, अगर मूल रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में मात्र 2600 शब्द हैं कुल मिला के। और दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है अंग्रेजों ने, फ्रेंच भाषा में से लिए हैं, जर्मन में से लिए हैं, इटालियन में से लिए हैं, लैटिन में से लिए हैं, तो तमाम भाषाओं से जो उधार लिए हुए शब्द हैं वो मिला दिए जाएं तो कुल मिला के बैठते हैं 12,000। अंग्रेजी के मूल शब्द हैं 2600 और बाकी के शब्दों को मिला दें तो कुल बैठते हैं 12,000। अब आप हिसाब लगाइए, अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं, गुजराती में आपको मालूम है कितने शब्द हैं? गुजराती भाषा में 40,000 से ज्यादा शब्द हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि अंग्रेजी बड़ी हुई कि गुजराती? तो काहे को नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को गुजराती में? और एक दूसरा उदाहरण दूं कि अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं और मराठी भाषा है हमारे देश की, उसमें इस समय 48,000 शब्द हैं। अंग्रेजी से 4 गुनी बड़ी है मराठी। और हिंदी का हिसाब लगाऊं तो अंग्रेजी में इस समय 12,000 शब्द हैं, हिंदी में इस समय करीब 72,000 शब्द हैं। और हिंदी से एक कदम आगे चलिए संस्कृत,
तो अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं, संस्कृत में कुल मिला के 1.5 लाख शब्द हैं, और संस्कृत से एक सीढ़ी और ऊपर चढ़िए प्राकृत, जिसको हम सब भूल गए। प्राकृत को अगर ध्यान में रखें तो प्राकृत में 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हमारे पास है, लेकिन हम बेवकूफों को मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम पढ़े लिखे ईडियट हैं, अंग्रेजी में कहें तो, भाग रहे हैं एक ऐसी भाषा के पीछे जिसमें मात्र 12,000 शब्द हैं, और अपनी भाषाएं छोड़ते चले जा रहे हैं। और ये जो भाषा की गुलामी होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। जो आदमी अपनी भाषा बदल सकता है, वो किसी दिन अपनी मां भी बदल सकता। और ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। आपको कुछ दिन के बाद इस देश में कॉन्वेंट्स में से पढ़कर निकले हुए बच्चे ये कहते मिलेंगे कि, वो कहते हैं ना कॉन्वेंट के बच्चे, उनको तो हर चीज इंपोर्टेड चाहिए, इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड पेन, इंपोर्टेड पेंसिल, इंपोर्टेड टेलीविजन, इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर। अभी कुछ दिन के बाद कहेंगे कि अब हमको इंपोर्टेड मम्मी पप्पा भी चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल उनको अच्छी नहीं लगने वाली। वो तो जो भाषा पढ़ रहे हैं उसके संस्कार ले रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के संस्कार ले रहे हैं, और अंग्रेजी के संस्कार तो अंग्रेजियत के संस्कार है, और अंग्रेजियत के संस्कार में तो मां और बाप की इज्जत करने की बात उनको कभी सिखाई नहीं गई है। वो तो आपको भी 2 कौड़ी का मान के फेंक देने वाले। और दुर्भाग्य से यही होता है, कॉन्वेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे जितनी गाली अपनी मातृभाषा को देते हैं, अपनी संस्कृति को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उतनी शायद कोई नहीं देता। तो मैकॉले जो कहा करता था, वो बात आज हमको दिखाई देती है कि कॉन्वेंट में पढ़कर निकलेंगे बच्चे तो ये शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से अंग्रेज होंगे। और इसी के संबंध में एक आखिरी बात उसने और कही थी कि ये जो भाषा की गुलामी होती है, ये आदमी के स्वतंत्र चिंतन को रोक देती है। अगर आपको मौलिक चिंतन करना है, अगर आपको स्वस्थ चिंतन करना है, और ऐसा चिंतन करना है जिसमें से कुछ नई रचना हो, तो वो आप अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। दुनिया में मातृभाषा में पढ़कर बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। हम लोग अक्सर, मैं लोगों को कहता हूं कि जो लोग कॉन्वेंट के पीछे पागल हैं, उनको मैं अभी ताजा ताजा उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम। डॉक्टर एपीजे कलाम को इस साल भारत रत्न मिला है, और डॉक्टर एपीजे कलाम हिंदुस्तान के जिंदा रहने वाले वैज्ञानिकों में इस समय सबसे ऊपर के व्यक्ति हैं। आपको मालूम है डॉक्टर कलाम की पूरी शिक्षा तमिल में हुई है, अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी नहीं है। बहुत वर्षों के बाद उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है काम चलाने के लिए। बचपन से उनकी पूरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में हुई है। वो तमिल अच्छी जानते हैं, मलयालम अच्छी जानते हैं, और हिंदुस्तान में आज वो सबसे ऊंची श्रेणी के वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला। दुनिया के ऐसे तमाम वैज्ञानिकों के मैं उदाहरण दे सकता हूं। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सारा का सारा काम अपनी मातृभाषा में करता था, जर्मन में, और इसलिए इतना बड़ा बना। फ्रांस में एक वैज्ञानिक था मैक्स प्लैंक, जिसकी थ्योरीज हमारे जैसे इंजीनियर्स को पढ़ाई जाती थी जब हम पढ़ते थे। मैक्स प्लैंक की पूरी शिक्षा फ्रेंच भाषा में हुई थी। तो हम लोग जो अपने मन में गलतफहमी पाल कर बैठे हैं कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, मैं आपको इसके उल्टी बात कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला, वो गधे बन जाएंगे, विनाश होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर गधा बना रहे हैं। गधा जानते हैं क्या होता, गधे के ऊपर बोझा लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, बेचारा चुपचाप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आजकल बच्चों के कंधे पर जो बस्ते हमने लाद दिए हैं, जरा उनका वजन तो कर लीजिए। जो बच्चे का वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन है। अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं। जितना वजन उसका कंधा ढो नहीं सकता, उससे ज्यादा वजन उसके कंधे पर लटका हुआ, और बेचारा वो बस्ता लेके जाता है, लौट के आता है। जब लौट के आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता है।
आप क्या करते हैं, अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का होमवर्क मिला, ट्यूटर ने अपना होमवर्क दे दिया, बच्चे का खेलना कूदना बंद। और बच्चा अगर खेलेगा नहीं कूदेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होने वाला। तो या तो आपने फंसा दिया बेचारा होमवर्क। मैं अच्छे अच्छे घरों में जाता हूं, सबके बच्चे क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक होमवर्क चल रहा, कभी खत्म होने में ही नहीं आता। भला हो ऐसे स्कूलों का। और उस होमवर्क में से बना क्या रहे हैं और वो होमवर्क कर क्या रहे हैं, मैं आपको मेरी आप बीती सुनाता हूं, किसी दूसरे की नहीं। मैं भी बचपन में अंग्रेजी में मैं पढ़ा और मैं सबसे ज्यादा गालियां मेरे मां बाप को देता हूं इसके लिए। मेरे पिताजी ने, वो एक बड़े ऑफिसर हैं, ये करने के लिए कि बेटा अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए तो बड़ा बनेगा, तो मुझको भी पढ़ा दिया। अब अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई है, अंग्रेजियत की जो पढ़ाई है, वो क्या है, मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल दूं। मेरा, मुझको गणित पढ़ाया जाता था। गणित में क्या पढ़ाते थे, एक फॉर्मूला था जो मुझको रटवाते थे क्लास 9th में जब मैं पढ़ता था। क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अक्सर इसमें गड़बड़ी होती थी, प्लस का माइनस होता था, माइनस का प्लस होता था, तो क्या होता था, मेरी पिटाई होती थी, क्लास में पिटाई होती थी। और मेरे जो अध्यापक थे तो मुझको खूब चिढ़ाते थे और मुझको खूब उल्टा सीधा कहते थे। एक दिन मैंने ये तय किया कि सब छोड़ छाड़ के ये दो फॉर्मूले रटूंगा। तो रटने के लिए मैं बैठ गया, सब काम एक बाजू में, अब ये x प्लस वाई और x माइनस वाई में मैं घुस गया। लिख लिख के मैंने किलो किलो कॉपियां बर्बाद कर दी, किलो किलो कागज बर्बाद कर दिया, पता नहीं कितने बॉल पेन बर्बाद हुए होंगे। और 3-4 महीने की उस भयंकर मेहनत के बाद मुझको कुछ फॉर्मूले याद हो गए। अब वो फॉर्मूले मैं सीख के आया। दुर्भाग्य से मैं बताऊं कि 3-4 महीने के सैकड़ों घंटे बर्बाद करके, अपना खून सुखा के, मार खा के, बेइज्जती बर्दाश्त करके मैंने जो फॉर्मूले पढ़े वो मेरे जीवन में आज तक कभी काम में नहीं आए। और दूसरे बाजू में मेरी मां ने, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, मुझको एक फॉर्मूला सिखाया। क्या सिखाया, एक पहाड़ा सिखाया, आधा सवाया डेढ़ गुना ढाई गुना 3 गुना 3.5 गुना, ये मुझे सिखाया। और वो मेरे जीवन में रोज काम आता। लेकिन कहा क्या जाता है कि मेरी मां तो पढ़ी लिखी नहीं है, पीएचडी नहीं किया उसने, तो जो बिना पीएचडी होल्डर है, जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है आज की भाषा में, उसने मुझे ऐसी चीज सिखाई जो जीवन में रोज काम आती है। और जो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया वो जीवन में कभी काम नहीं आया। और आप अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल के जितने क्यूरिकुलम हैं और उसमें बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें से 95% बेकार जाने वाला है। उस 95% का उनके जीवन में कभी कोई इस्तेमाल होने वाला नहीं। ये आप कहिए तो मैं जहां कहिए वहां लिख कर दे दूं, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं इस बात को। और वो जो 95% आप पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे के अगर काम नहीं आने वाला है तो उसके लिए आप लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, करोड़ों घंटे बर्बाद कर रहे हैं। उस बच्चे का मन मस्तिष्क आपने दबा दिया है होमवर्क के नीचे, झूठी शान और प्रतिष्ठा में। आप अपने बच्चों को गधा नहीं बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? तो आप पूछेंगे क्या करें, तो मैं आपसे एक बुद्धिमानी की बात निवेदन करना चाहता हूं। वो निवेदन ये करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूलों में से बाहर निकाल लीजिए। और बढ़िया बात है, ये कॉन्वेंट स्कूल में इसलिए भी भेजना बंद करिए कि भारतीय संस्कृति में पिता सिर्फ एक होता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में एक फादर भी होता है। इस बात की गंभीरता को समझिए कि भारतीय संस्कृति में पिता एक ही होता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो एक दूसरा फादर भी होता है। तो पिता के साथ ये फादर कहां से आ गया? और अगर पिता के साथ फादर आ गया तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा आपके घर में। हां, यह मैं चेतावनी के रूप में कह रहा हूं आपसे, यह सिर्फ इशारे से समझ लीजिए कि अगर बच्चे की पढ़ाई के साथ पिता के साथ फादर आया है तो और बहुत कुछ चला आएगा आपके बच्चे के संस्कार में। और कहीं ऐसा ना हो जाए
कि आपके देखते देखते आपका बच्चा क्रिश्चियन ना बन जाए, ईसाई ना बन जाए। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन तो यह करने आया कि जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे निकाल लीजिए, और एक दूसरा निवेदन और करने आया हूं, जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों को डोनेशन देना बंद करिए। हमारा हजारों हजारों रुपए का डोनेशन कॉन्वेंट स्कूलों में जाता। एक बच्चे का एडमिशन कराना है तो वो कहेंगे बिल्डिंग फीस दे दो, वो कहेंगे डोनेशन दे दो, वो कहेंगे इसकी फीस दे दो, उसकी फीस दे दो, और रोज रोज कोई ना कोई मांग चढ़ी ही रहती है। आज फलाना डे, आज धमाका डे, आज ये ले आओ, कल वो ले आओ। बर्बादी हमारी, माने हम हमारे दुश्मन को अपना पैसा दे रहे हैं। दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग मैंने कहीं नहीं देखे जो अपने दुश्मन को अपने घर का पैसा देते हो। आप जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों में से निकलने वाले बच्चे भारतीय संस्कृति के विरोधी होने वाले हैं, और उनको यूरोप की संस्कृति सिखाई जा रही है, उसके लिए पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने हाथों से। तो भगवान के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने बच्चों को कॉन्वेंट में से बाहर निकालिए, और अपने बच्चों के नाम पर ये उनको जो डोनेशन दे रहे हैं आप कॉन्वेंट स्कूलों को, वो बंद करिए। और मैं आपको पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर मातृभाषा में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा विद्वान बनने की क्षमता है उनमें। और ये क्यों है, दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक एक ही बात पर अब पहुंचे हैं, जो बात हमारे लोग बहुत पहले से कह गए, अभी यूरोप के लोग आज उस निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या कहते हैं, बच्चा अगर मातृभाषा में पढ़ता है तो उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फायदा होता है, वो दूसरी भाषा में नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, और आप इसको प्रयोग के रूप में करिए, आपकी मातृभाषा अगर गुजराती है और आप अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाइए, तो कोई सवाल आप उसको दीजिए गुजराती में याद करने के लिए, जितनी जल्दी वो याद कर लेगा उस सवाल को, अगर वही सवाल आप अंग्रेजी में दीजिए उसको, तो कम से कम 6 गुना समय लगेगा उसको। अगर वो 1 घंटे में गुजराती में कोई चीज याद करेगा तो 6 घंटे लगेंगे उसको अंग्रेजी में याद करने के लिए, और अंग्रेजी में भी उसको याद नहीं होगा, वो रटेगा पोपट की तरह से, जैसे पोपट होता है ना, रट लेता है, वैसे ही रटेगा। और रटने के बाद क्या करेगा, इम्तहान में लिख कर आएगा। इम्तहान में लिख कर आया, उसके 2 दिन बाद पूछिए कि तुमने परसों क्या लिखा है, उसको कुछ याद नहीं। ऐसे ज्ञान का करेगा क्या वो, जो ज्ञान उसको 2 दिन भी याद ना रहे, जो जानकारी उसको 2 दिन भी याद नहीं रहने वाली, उस जानकारी का वो अपने जीवन में करने वाला क्या है। और इसके दूसरी तरफ आप ये करके देख लीजिए, छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से आप उसको कोई बात सिखा दीजिए, वर्षों वर्षों जिंदगी भर उसको वो बात याद रहेगी। मुझे भी याद है, मेरी दादी महा ने कहानी के माध्यम से जो संस्कार मुझ में दिए हैं वो अभी भी मुझे याद है। लेकिन मेरे स्कूल में जो संस्कार मुझे दिए गए वो मैं भूल चुका हूं, क्योंकि विदेशी भाषा में मैंने लिए। तो ये खराब होता। और एक इसी के साथ एक आखिरी निवेदन कि अंग्रेजों ने जिस तरह से बर्बाद किया है भारतीय समाज को, कम से कम अब अगर हमको ये चेतना आती है तो इसको हम बचाएं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम कॉन्वेंट स्कूलों के बंद कराने का, और वो हम सब मिलके ही कर सकते हैं, अकेला कोई नहीं करेगा। अगर हम सब कॉन्वेंट स्कूलों का बहिष्कार करने का संकल्प ले लें तो फिर से नए गुरुकुल खड़े हो सकते हैं। जो दान आप कॉन्वेंट स्कूलों को देते हैं वो दान अगर गुरुकुलों को मिलना शुरू हो जाए तो गुरुकुल चलने भी शुरू हो जाएंगे, उनको प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, उनको सम्मान भी मिल जाएगा। अगर हमारी गलती से बर्बादी आई है तो वो गलती आज हम सुधार लें। और ऐसे ही एक दूसरी आखिरी बात कि अंग्रेजियत हमारे मन में बहुत गहरे घुस गई है, और ये अंग्रेजियत जो होती है बहुत खराब होती है। कई बार मैं कहता हूं कि अंग्रेजी भाषा से ज्यादा खतरनाक है अंग्रेजियत। महात्मा गांधी अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेज चाहें तो रहें लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए। ये अंग्रेजियत क्या है, हमारे सबके घरों में सबके मन में एक तरह का लालच बैठ गया है, हर एक आदमी को इस देश में इंपोर्टेड माल चाहिए, विदेशी कंपनी का माल। किसी भी साधारण से साधारण बच्चे को कहो कि देखो मेरे पास इंपोर्टेड पेन है, तुरंत हाथ फैला देगा, लाओ दे दो। वो बच्चा चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, माने इंपोर्टेड के नाम पर भीख मांगने में भी शर्म नहीं आती। उसी बच्चे को आप कहिए कि भगवान का प्रसाद है तो हाथ पीछे खींच लेगा,
इंपोर्टेड पैन है तो तुरंत हाथ फैला देगा। गुलामी इतने गहरे बैठ गई है, और यह जो इंपोर्टेड माल की गुलामी होती है, इसी गुलामी ने हमारे देश को बर्बाद किया है। अंग्रेजों के जमाने में इस देश में अंग्रेजों का माल बिकता था, इसलिए कि अंग्रेजों की गुलामी चलती थी, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की कंपनियां यहां चलती थी। दुर्भाग्य से आज वही फिर हो गया है, गांव गांव में परदेशी कंपनियां घुस गई हैं, परदेशी कंपनियों का माल घुस गया है, हम सबके घरों में परदेशी कंपनियों का माल आता है, सवेरे से लेकर शाम।